श्री राम नमस्कार। मैं सुप्रिया भटनागर हिंद की आशा से। हम आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में और यहाँ पर जानते हैं श्री कमलेश शास्त्री जी से कि नवरात्रे की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं समस्त भक्तों को सादर नमस्कार कर रहा हूँ। सादर नमस्कार। और इस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के उपलक्ष में बताना चाहता हूँ कि लोग अपने घरों में किस प्रकार से विधि विधान से पूजन करें, संक्षिप्त में पूजन करें। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ अवतार होते हैं, जिस प्रकार से आप लोग सब समझते हैं कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति, कोषमांडीति, चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ता, उक्तान एतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना अग्निन दह्यमानसु शत्रुमध्ये गतोर्णे विष्णे दुर्गमे च भायर्ता शरणं गता। इस प्रकार से और माता जी के नव स्वरूप बताए जाते हैं। तो अपने घरों में प्रथम दिन जो पहला नवरात्रा होता है, उस पहले नवरात्रि में आप लोगों को शुद्ध अवस्था में बैठ करके माँ भगवती के सामने शुद्ध और घी का दीपक जला करके कलश स्थापित करके और माता जी के चरणों में बैठ करके उनसे वंदना करें, प्रार्थना करें। और विशेष पूजा में उसमें क्या है, रोली है, मोली है, चावल है, सुपाड़ी है, लौंग इलायची है और अतिरिक्त में माता जी को दो पान में और दो लौंग रख करके उनको अर्पण करें। और जिस भाव से आप माता जी का पूजन करेंगे उस भाव में माता जी आपको फल प्राप्त करेंगे। कई लोग अपने घरों में वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं समस्त भक्तों को सादर नमस्कार कर रहा हूँ। सादर नमस्कार। और इस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के उपलक्ष में बताना चाहता हूँ कि लोग अपने घरों में किस प्रकार से विधि विधान से पूजन करें, संक्षिप्त में पूजन करें। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ अवतार होते हैं, जिस प्रकार से आप लोग सब समझते हैं कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति, कोषमांडीति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ता, उक्तान एतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना अग्निन दह्यमानसु शत्रुमध्ये गतोर्णे विष्णे दुर्गमे च भायर्ता शरणं गता। इस प्रकार से और माता जी के नव स्वरूप बताए जाते हैं। तो अपने घरों में प्रथम दिन जो पहला नवरात्रा होता है, उस पहले नवरात्रि में आप लोगों को शुद्ध अवस्था में बैठ करके माँ भगवती के सामने शुद्ध और घी का दीपक जला करके कलश स्थापित करके और माता जी के चरणों में बैठ करके उनसे वंदना करें, प्रार्थना करें। और विशेष पूजा में उसमें क्या है, रोली है, मोली है, चावल है, सुपाड़ी है, लौंग इलायची है और अतिरिक्त में माता जी को दो पान में और दो लौंग रख करके उनको अर्पण करें। और जिस भाव से आप माता जी का पूजन करेंगे उस भाव में माता जी आपको फल प्राप्त करेंगे। कई लोग अपने घरों में ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, कई लोग अष्टमी को हवन कराते हैं, कई लोग नवमी को हवन कराते हैं। तो ये जो शरद नवरात्रि है, इस शरद नवरात्रि में जो जिस प्रकार से उस भावना से उस माँ भगवती का पूजन करते हैं, उसको भगवती बहुत फल प्राप्त करके उनके काम सिद्ध कर देती है। और सभी भक्तों को यह बताना चाहता हूँ कि जिस समय नवरात्रि में आप पूजन करें तो बड़े सावधानी चित्त होकर के और भगवती का पूजन करें। और हमेशा कपूर की आरती हमेशा करना चाहिए। माता भगवती का पूजन जो करते हैं तो आप आरती में कपूर जरूर जलाएं और कपूर जलाने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। और अपने बच्चों को और अपने कन्याओं को जिस प्रकार से आप बताएंगे, विधि विधान बताएंगे, उस विषय में उनको जानकारी होती है। कभी कभी मंदिरों में जाकर के लोग और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी कामना संपूर्ण हो, इस प्रकार से भगवती प्रसन्न होती है। और लिखा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रक्षति, जो श्रद्धा और विश्वास से इस भगवती का पूजन करते हैं भगवती उसकी सभी कामनाएँ पूरी करता है। इस विषय में आप लोगों को मैंने और विधि विधान से जो विधान बताया उस विधान से आप लोगों को सबको पूजन करना चाहिए। और साल में हमारे चार दफे नवरात्र आते हैं, एक दो गुप्त नवरात्र होते हैं, एक सदन
नवरात्रि होती है और एक चैत्र के महीने में नवरात्रि मनाई जाती है। इस प्रकार से जो आदमी इस प्रकार से पूजन पाठ करते हैं उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। तो आपने सुना कमलेश जी शास्त्री के द्वारा नवरात्रि की संक्षिप्त। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hinkiasha.com पर। धन्यवाद। जय श्री राम।